हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ऑफशोर और ऑनशोर क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, दोनों में सैलरी का क्या डिफरेंसेस होता है, दोनों में रिस्क क्या होता है, छोटा सा वीडियो है, 3-4 मिनट का वीडियो है, आप देख लो। आज आपका मैं फिर नॉलेज इंप्रूव करने वाला हूँ। जानते हैं गाइस, ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं ना, इसको बटोर कर संजो कर रखना चाहिए, सही जानकारियाँ, फेक जानकारियाँ नहीं, ताकि आपको इन फ्यूचर आने वाले समय में आपको काम आएगा और आप दूसरों को भी सही गाइडलाइन दे सकते हैं गाइस। सो गाइस, इस वीडियो को बने रहिए, पहली बार हैं तो चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड मैं देता हूँ। सो आइए गाइस, शुरू करते हैं कि ऑफशोर और ऑनशोर में क्या डिफरेंसेस है, सैलरी का क्या डिफरेंसेस है, रिस्क का क्या डिफरेंसेस है गाइस। तो आइए शुरू करते हैं गाइस। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप सुने होंगे, कभी भी अगर आप ONGC में जॉब कर रहे हैं या मिडिल ईस्ट में या सऊदी अरबिया, कुवैत, ओमान, कतर या कोई भी यूरोप कंट्री में, कहीं पर भी अगर आप, ये तो मैक्सिमम मिडिल ईस्ट में देखा जाता है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल और क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट में ज़्यादा होता है, तो मिडिल ईस्ट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा ये ऑफशोर ऑनशोर ऑफशोर, तो ये ज़्यादा सुनने को आपको मिलेगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि मिडिल ईस्ट के अंदर में जब आप जाएंगे तो आपकी जॉब अगर पेट्रोकेमिकल में है, तो ये सिविल कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोकेमिकल अगर आप ऑयल फील्ड में हैं तो आप देखेंगे ऑनशोर या ऑफशोर दो ही सेक्शन होता है। ऑनशोर हो गया कि आपका जो समुद्र के जो किनारा है, जो किनारे में हैं आप, तट पर हैं, उस पर कोई अगर रिफाइनरी बनी हुई है, वहाँ पर कोई रिग है या वहाँ पर कोई आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर उसको ऑनशोर बोलेंगे। ऑफशोर मींस, ऑफशोर हो गया आपका इनसाइड सी के अंदर में, समुद्र के अंदर में कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ पर रिग है या कोई रिफाइनरी सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है ना, या कोई गैस निकालते हैं या कोई क्रूड ऑयल निकालते हैं या वहाँ पर रिफाइन करते हैं, उस तरह की कोई प्लेटफॉर्म बनी हुई है, वहाँ पर जॉब है, तो ऑफशोर होता है। ये दोनों में डिफरेंसेज है। ऑनशोर मीन्स जो समुद्र का जो तटीय क्षेत्र है, जो ज़मीन है, जो ग्राउंड है, जो आपके ज़मीन के ऊपर में है, समुद्र के किनारे जो ज़मीन है, ग्राउंड है, उसके ऊपर में किसी भी तरह का एनी काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री, चाहे वो रिग हो चाहे रिफाइनरी हो, अगर लगा हुआ है तो वो ऑनशोर बोलेंगे। ऑफशोर होता है कि जो समुद्र के अंदर है, जो आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, बोट से जा रहे हैं या सी से जा रहे हैं या शिप से जा रहे हैं, तो इस तरह की जो कुछ अगर मामला है समुद्र के अंदर में अगर आपको जाना है, तो ये ऑफशोर होता है। अब बात कर लेते हैं रिस्क के बारे में। तो ऑब्वियसली गाइस, जो समुद्र के अंदर है, जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म बना हुआ है, उसके ऊपर में काम करना है, तो रिस्क ऑब्वियसली उसके ऊपर में ज़्यादा है, क्योंकि आप अगर कोई इंसिडेंट होती है तो आप सडनली भाग नहीं सकते हैं, आपको समुद्र के अंदर जंप करना होगा लाइफ जैकेट पहन करके। कोई अगर गैस लीक हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई भी जहरीला गैस अगर लीक हो जाता है, फायर हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, प्लेटफॉर्म ब्रेक हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, तो रिस्क ऑब्वियसली वहाँ ज़्यादा है। और जो ऑनशोर है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, अगर आप वहाँ पर कोई ये सब इमरजेंसी होता है, फायर होता है, कुछ भी होता है, तो आप वहाँ से भाग सकते हैं, बहुत सारा वे बना हुआ है। तो यही डिफरेंसेज होता है। अब बात करते हैं कि सैलरी के बारे में। तो ऑब्वियसली जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, जहाँ पर आप ज़्यादा रिस्क कवर कर रहे हैं, तो सैलरी भी आपको ज़्यादा रहेगी। ड्यूटी आवर्स की बात करते हैं, ड्यूटी आवर्स ऑनशोर में 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे उस पर जो भी करेंगे आप, सब ओवरटाइम मिलता है, और वहाँ 12 घंटे की ड्यूटी होती है, शिफ्ट होता है, यहाँ 8 घंटे की शिफ्ट होती है, वहाँ 12 घंटे का शिफ्ट होता है। यहाँ पर आपका जो वेकेशन है ऑनशोर के अंदर में, वो आपका 2 साल 1 साल होता है, लेकिन जो ऑफशोर के अंदर में आप जो काम कर रहे हैं, आपकी वेकेशन वहाँ पर भी शिफ्ट वाइज होता है, कहीं पर आपका 15 डेज का होता है, कहीं पर 21 डेज का होता है, कहीं 30 डेज का भी होता है, लेकिन ऐसा रेयर होता है जो 30 डेज का, मैक्सिमम 15 डेज, 14 दिन या 15 दिन, यही दो होता है, 14 दिन या 15 दिन या 21 दिन, इसके अंदर में आपको वेकेशन, फिर 14 दिन के विथ लीव पे, अगर आपको वेकेशन दे रही है फ्लाइट टिकट के साथ, इंडिया आ रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, तो उसका पैसा भी, जितना दिन आप रहेंगे आपकी सैलरी चालू रहेगी, आने जाने का टिकट भी देगी कंपनी, ये होता है ऑफशोर। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ है। तो अगर ऑनशोर ऑफशोर आप समझ गए, रिस्क का भी समझ गए, सैलरी क्या डिफरेंसेस है ये भी मैंने बता दिया, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी भी कोई क्लाइंट या कोई ऑफर लेटर या कोई भी साइन करने से पहले आप देख सकते हैं कि मेरा जॉब पेट्रोकेमिकल में ऑफशोर है या ऑनशोर है, पेट्रोकेमिकल के अंदर में ऑफशोर में जा रहा हूँ कि ऑनशोर में जा रहा हूँ, या कोई भी एजेंट या कोई भी ऑफिस वाला आपको ऑफर कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि भाई ये ऑनशोर है या ऑफशोर है, अगर आप पेट्रोकेमिकल में जा रहे हैं काम करने के लिए। गाइस कहिए, छोटी छोटी जानकारियाँ कभी लाइफ में बहुत आपको बचाती है, बहुत काम आती है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, यार अच्छा लग गया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और इस चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, भूलो नहीं।